देश में आए दिन कई ऐसे इंसिडेंट्स हो रहे हैं जो हमें काफी शॉक कर देते हैं और आरजीकर मेडिकल रेप केस के बाद ये मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। हर दिन बढ़ते रेप और सेक्सुअल असॉल्ट केसेस के बीच में अब बात ये उठ रही है कि ज्यादा वुमेन लॉयर्स और जजेस की हमारे देश को सख्त जरूरत है। और ये मामले थोड़े और हाईलाइट हो गए जब सुप्रीम कोर्ट में बीते दिन जस्टिस हीमा कोहली रिटायर कर गए, जहां जाने के पहले जस्टिस हीमा कोहली ने कहा है कि वे उम्मीद करती है कि उनकी जगह पर एक वुमेन जज ही तैनात होगी। वहीं सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने भी इस मामले में अपनी बात रखते हुए कहा है कि कॉलेजियम को वुमेन जजेस अपॉइंट करने की ज्यादा जरूरत है। ऐसे देखा जाए तो सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल की सारी ही बातें काफी कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रही है और ये मामले कुछ ज्यादा ही देखने को मिल रहे हैं जब से उन्होंने आरजीकर रेप केस में वेस्ट बंगाल एडमिनिस्ट्रेशन को रिप्रेजेंट किया है। लेफ्ट राइट उन्हें जहां फटकार मिल रही है, वहीं उन्होंने अब डिस्ट्रिक्ट जजेस से जुड़े ऐसे कई कमेंट पास किए हैं जिसने कि एक बार फिर से कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दी है। तो चलिए एक नज़र उस पर डालते हैं और ये भी देखते हैं कि इस मामले में सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने भी क्या कहा है। असल में सुप्रीम कोर्ट में नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन द डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी चल रही थी जिसमें सीजेआई से लेकर पीएम नरेंद्र मोदी, लॉ मिनिस्टर अर्जुन राम मेघवाल सब मौजूद थे, जहां पर वुमेन जजेस को अपलिफ्ट करने की बात हो ही रही थी। वहीं सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने इस बात पर जोर दे दिया कि डिस्ट्रिक्ट जजेस जिन पर ही काम का सबसे ज्यादा बोझ होता है कि मेंटल हेल्थ काफी अफेक्ट होती है और इसे सबसे ज्यादा ओवरलुक किया जाता है। ही स्टेटेड, Judges are despite being professionals affected by their own brush with reality. Their mental health may suffer as a consequence. अब जहां CJ DY चंद्रचूड़ ने कुछ ऐसी बातें कही है, वही सनसनी मचाते हुए सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने कह दिया है कि हमारे देश में पॉपुलेशन के हिसाब से तो जजेस की संख्या बहुत ही कम है। जी हां, आपने सही सुना। ही स्टेटेड, द जज पॉपुलेशन रेशियो इज अबिस्मली लो इन इंडिया, द रोस्टर एट द डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस लेवल इज ओवरबर्डनड। इसके आगे लोगों को और चौंकाते हुए सीनियर एडवोकेट सिब्बल ने कह दिया कि डिस्ट्रिक्ट जजेस को कुछ स्ट्रिक्ट फैसले सुनाने में डर लगता है। जितना ये बात सबके लिए शॉकिंग था और वे इस शॉक से रिकवर कर ही पाते, तब तक सीनियर एडवोकेट सिब्बल ने स्टेट कर दिया, आवर ट्रायल कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस कोर्ट्स नीड टू बी एम्पावर्ड टू डिलीवर जस्टिस विदाउट फियर ऑफ ओवर। ये बात उन्होंने इसलिए भी कही है क्योंकि ये ऑब्जर्व किया गया है कि डिस्ट्रिक्ट जजेस कुछ स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स नहीं देते और स्पेशली बेल देने से तो खूब कतराते हैं। इस बारे में सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने एग्जैक्टली क्या कहा है, आइए सुन लेते हैं। स्ट्रक्चर विद अ वीक फाउंडेशन will impact the edifice and eventually collapse. The justice delivery system at the foundation of the judicial structure needs to be strengthened both in terms of quantity and quality of manpower and infrastructure. Our trial court and district and session courts need to be empowered to deliver justice without fear and favor, unless people at the bottom of the pyramid have the ability to withstand the pressure the superstructure of the polity will not be able to deliver. I don't want to call the judiciary at the level of the trial court and district and session judges to be subordinate, because the judge sitting there delivers justice, and the question of being considered as subordinate to any authority is a contradiction in terms. The judiciary at the level at that level should be instilled with the confidence that their judicial pronouncements shall never be held against them, and that they represent the spinal cord of the justice delivery system. They should have the flexibility and the independence to render judgments in accordance with law without fear or favor. The effectiveness, fairness and integrity of the courts impacts the perception of the public on the credibility of the entire judicial system. The fact that the trial court and district and session courts are loath to grant bail in matters of some significance itself is symptomatic of the malaise that has set in. In the course of my career, I have seldom witnessed the grant of bail at that level. This is not just. आगे सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने ये भी कहा कि ये सिर्फ उनका थॉट प्रोसेस ही नहीं है, बल्कि सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ का भी है। और इस बारे में उन्होंने आगे क्या कहा है, देख लेते हैं। My experience with the Chief Justice of India has said often enough that court at the highest level is burdened with matters of bail, because at the level of trial courts and district and session courts, bail seems to be an exception. Of course, it goes without saying that the grant of bail depends on the facts and circumstances of each case, but the pronouncements of the court have in the recent past adhered to the principle that bail is the rule and jail an exception. We've seen trends harking back to the law laid down in Gurbakhsh Singh Sibiya, wherein this principle has been enunciated and has now been reiterated by the Supreme Court of India in several recent judgments, even in relation to special acts which require stringent twin conditions. Liberty is the foundational substratum of a thriving democracy. Any attempt to throttle it
impacts the quality of our democracy. और चलिए एक नजर इस बात पर भी डाल लेते हैं कि आखिर इस फंक्शन में पीएम नरेंद्र मोदी ने भी सुप्रीम कोर्ट से जुड़े क्या स्टेटमेंट्स दिए हैं। कुछ ही दिन पहले मैं राजस्थान हाई कोर्ट के प्लेटिनम जुबिली सेरेमनी में गया था और आज सुप्रीम कोर्ट के 75 वर्षों की यात्रा के उपलक्ष्य में जिला न्यायपालिका का राष्ट्रीय सम्मेलन हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट के 75 वर्ष ये केवल एक संस्था की यात्रा नहीं है, ये यात्रा है भारत के संविधान और संवैधानिक मूल्यों की। ये यात्रा है एक लोकतंत्र के रूप में भारत के और परिपक्व होने की। और इस यात्रा में हमारे संविधान निर्माताओं का, न्यायपालिका के अनेकों मनीषियों तक का योगदान बहुत महत्वपूर्ण रहा है। इसमें पीढ़ी दर पीढ़ी उन करोड़ों देशवासियों का भी योगदान है जिन्होंने हर परिस्थिति में न्यायपालिका पर अपना भरोसा अडिग रखा है। तो देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में जुडिशरी को लेकर कोई बदलाव होता दिख सकता है या नहीं। इस बारे में आपकी क्या राय है हमारे साथ जरूर शेयर करें। अंटिल देन कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा। बिसाइड्स डिस्चार्जिंग द जुडिशियल फंक्शन, judges from the district judiciary perform numerous other responsibilities. They are administrators of courts, mentors to young judges, and communicators in society. But above all, they are protectors of rights for those who possess them but may not know that they exist or are unable to enforce them. They oversee the development of infrastructure and engage in case management. They work with paralegals, legal aid committees, and lok adalats in the course of their work. District judges, like judges at the High Court and the Supreme Court, play a meaningful role in their interactions with members of the bar who are a vital stakeholder in the system. In the course of hearing a case, judges must provide valuable mentorship from the bench to younger advocates for learning the ropes of the profession. As seasoned members of the legal profession, it is easy to forget how apprehensive we all felt and how little we knew as green young advocates. Fresh out of law college, your patience, gentleness, and guidance from the bench will nurture the talent of young advocates and allow them to fulfill their potential. As they grow in years, they will share the mentoring they receive for the betterment of society and the legal profession. Every judge has the ability to transform not only the lives of lawyers who appear in court, but the present and future of our society. But to do so, we must realize as judges that we exist for reasons beyond our own existence.